गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं नहा के रेडी अब हो गई हूँ और मुझे जाना है आज देहरादून खाटू श्याम मंदिर। तो आज का सफर मैं आपको दिखाती हूँ कि देहरादून खाटू श्याम मंदिर का कैसा रहता है। तो आप भी आइए और मेरे साथ चलिए खाटू श्याम मंदिर। तो फ्रेंड, बज गए हैं सुबह के 6 और मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आप भी चलिए मेरे साथ मंदिर। तो यहाँ पे बच गया सुबह के 6 और मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है क्योंकि मैं तो जा रही हूँ मंदिर, पर भाई और पापा के लिए, और जो मेरे पास 3-4 डॉगी हैं उनके लिए मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया है। अब मैं वो शीतल का वेट करती हूँ, जैसे शीतल आती है मैं करती हूँ घर से। यहाँ पर मुझे अपनी फ्रेंड का फोन आया है कि उसको अपनी गाड़ी सर्विस के लिए देंगे, तो वो क्या होता है उसको उसके घर लेने जाना पड़ेगा जाएंगे मंदिर। मैंने फोटो देखी थी ना, वो तो बाहर आ रहा है गांव में, बार बार पीछे लेके लग रहा है पता है। आराम से, तुमने मेरा पैर रगड़ दिया, कोई नहीं पहुंच गए। निकालना है कुछ इसमें से डालना है। तुमने बंद कर दी दवा, खोलो। साढ़े 8 बजे आरती, आरती कितने बजे होगी? 8:30। 8:30 चलो आ रहे हैं, मेरे लिए भी ले लो। मेरे भी ले लेना एक कली। तो दोस्तों, यहाँ पे मिली हमें प्रसाद वाली दीदी, जिससे हमने
अपने बाबा जी के लिए इतने प्रसाद और ये कलियाँ लिए, अब हम जा रहे हैं तो मंदिर में लेके 60-70 रुपये। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं देहरादून में सेलाकुल में, जो है खाटू श्याम मंदिर। आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। अभी आरती के लिए वेट कर रहे हैं, तब जाके होंगे ना दर्शन। अब तो साफ सफाई होगी। मेरे भाई की हल्की फोटो देखी है पता मैंने बहुत सारी। तब तक उधर होके आ जाएंगे, उधर घूम के आ जाते हैं हनुमान मंदिर वगैरह। मुझे खाटू श्याम बाबा जी, मैंने ये बाबा जी के लिए लिए ये दो गुलाब की कलियाँ, जिन्हें अभी मैं चढ़ाने वाली हूँ मंदिर में। और यहाँ भी आरती का वेट हो रहा है। यहाँ पे बस आरती शुरू ही होने वाली है, बस स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड हम यहाँ पे ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें श्याम बाबा के दर्शन होंगे और कब ये दरवाज़ा खुलेगा। अब बोल बताया पंडित जी ने बताया कि 8:30 बजे आरती का टाइम होगा, उसी टाइम पे ये खुलने वाला है। तो हम उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो आरती का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आरती शुरू होने से पहले पंडित जी ने सबसे जो उनके पास कलियाँ थी वो सबकी कलियाँ बाबा जी को चढ़ाने के लिए ले लिए। अब बस जस्ट 5 मिनट रह गए हैं, बस आरती शुरू ही होने वाली है। तो यहाँ पे आरती हो गई है, बस हम अभी प्रसाद लेने के लिए वेट कर रहे हैं, अभी भोग लग रहा है।
यहाँ पे हमने परिक्रमा पूरी कर ली है, अब हमें प्रसाद के लिए लाइन में लगे, बस प्रसाद ले ही रहे। तो दोस्तों श्याम मंदिर घूमने के बाद यहीं पे बगल में एक हनुमान मंदिर और एक ओणेश्वर शिवलिंग है और ज्वालपा माँ का भी मंदिर बनाया है और एक काली माता का मंदिर भी है और एक अभी तो मंदिर बन ही रहा है और झारपीर बाबा का मंदिर। तो ये हनुमान मंदिर पहुँच गए हम और ये रहे ओणेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग स्थापित किया गया है और यहाँ पर हमें पंडित जी तो मिले। यहाँ पे माता के मंदिर में मिली हमें एक आंटी जी जिनसे हमने टीका लगवाया। तो ऐसे यहाँ पे एक साथ सारे मंदिर थे जितने भी, हमने सबके दर्शन कर लिए। अब हम चलने जा रहे हैं अपने घर के लिए। घर जाते जाते हमने सोचा कुछ खरीद लेते हैं, पर बैड लक, पूरी दुकानें बंद थी, अभी मार्केट खुला भी नहीं था, तो हम ऐसे घर निकल गए। बड़ी मुश्किल से हम चप्पल की शॉप यहाँ पे देहरादून के ट्रैफिक से मैं पहुँच गई हूँ अभी घर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई है तो मेरा एक मिनी शॉर्ट ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो कि है देहरादून में। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ तक पहुँच सके, यहाँ वो यहाँ पे दर्शन कर सके। तो दोस्तों मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, और अपने आसपास जितने भी जानवर हैं उनसे प्यार करें।